गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जो आईपीएल का मैच होने वाला है, इसका हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप हर एक मैच का पूरा फैंटेसी एनालिसिस कर सकते हो। गुजरात टाइटंस और एसआरएच दोनों की दोनों टेबल टॉपर टीम से, और आपको एक कड़ी टक्कर इनमें देखने को मिलेगी। गुजरात टाइटन्स का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देगा आपको, खास करके जो लोअर मिडल ऑर्डर है उसमें हिटिंग ऑप्शंस इनकी इनके पास नहीं है। और अगर हम एसआरएच का देखें तो इनका भी बैटिंग ऑर्डर आपको थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देगा, लेकिन बॉलिंग के अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो दोनों की दोनों टीम्स के पास अच्छे खासे विकेट टेकिंग बॉलर्स है। तो आपको यहाँ पे मेन तो बॉलिंग क्लैशेस देखने को मिलेंगी। वैसे वानखेड़े का स्टेडियम है, यहाँ पे ये जो मैच होने वाला है यहाँ पे बैटिंग पिच मानी जाती है, तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके का ये मैच देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम एनालिसिस स्टार्ट करते। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करते। तो ये मैच कहाँ पे होगा? तो ये मैच जो होने वाला है ये होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पे। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर होता है वो होता है 165 से 175 के बीच में। यहाँ पे जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो यहाँ पे 55% मैचेस जीती हुई है। जो टीम यहाँ पे सेकंड बैटिंग करती चेजिंग करते हुए वो यहाँ पे 40% मैचेस जीती हुई है। अगर आप यहाँ पे बैटिंग और बॉलर्स में कंपेयर करोगे तो बैटर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पेसर्स और स्पिनर्स का रेशो अगर आप देखोगे तो पेसर्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट कुछ मैचेस इस पिच पे अगर हम देखें तो देखिए पंजाब और सीएसके के बीच में एक मैच हुआ था, वहाँ पे पंजाब ने 187 रन बनाए थे, काफ़ी बड़ा स्कोर बनाया था उन्होंने। सीएसके उसे चेस डाउन नहीं कर, इस मैच को चेन्नई चेस डाउन नहीं कर पाई थी इस स्कोर को। तो चलिए हम अगले स्कोर मैच की तरफ चलते। एलएचजी वर्सेस एमआई के बीच में एक मैच हुआ था, देखिए एलएचजी ने 168 रन बनाए थे, स्कोर इतना बड़ा नहीं बना, फिर भी एमआई उसे चेस डाउन नहीं कर पाई क्योंकि कोलैप्स हो गया था इनका बैटिंग ऑर्डर। उससे पहले यहाँ पे एक मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। राजस्थान रॉयल्स ने काफ़ी बड़ा स्कोर यहाँ पे बना दिया था 222 का, जिससे दिल्ली की टीम चेस डाउन नहीं कर पाई थी, लेकिन वो भी 200 के पार चली गई थी। तो स्कोर अगर बनता है तो बहुत बड़ा बनता है यहाँ पे, और उसे चेस डाउन करना फिर मुश्किल हो जाता है अगर स्कोर बड़ा बनता है तो, नहीं तो चेस भी हो जाता है अगर नॉर्मल स्कोर अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो। तो चलिए हम यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर दोनों टीम्स का देख लेते हैं। तो चलिए बैटिंग ऑर्डर पे आपको यहाँ पे आना है, परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन है। तो गुजरात टाइटंस की तरफ से बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है, प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे शुभमन गिल ओपन करेंगे वृद्धिमान शाह की तरह, वन डाउन आएंगे हार्दिक पांड्या, इनका मिडल ऑर्डर क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे डेविड मिलर, अभिनव सदरंगानी, राहुल तेवतिया और राशिद खान, ये इनका मिडल ऑर्डर संभालेंगे। इनकी तरफ से अगर आप पाँच बॉलिंग ऑप्शन देखना चाहो तो यहाँ पे यश दयाल, लॉकी फर्ग्यूसन, अलजहरी जोसेफ, राशिद खान और जो बचे हुए ओवर से वो राहुल तेवतिया कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हार्दिक पांड्या इनके बचे हुए ओवर्स कर सकते हैं। तो इनका यहाँ पे पूरा प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन है। और अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हम इनकी तरफ से देखें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में निकोलस पूरन और रिद्धिमान शाह में अगर हम कंपेयर करें तो रिद्धिमान शाह ज़्यादा अच्छे होंगे आपके लिए, क्योंकि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो ओपन करते हार्दिक पांड्या, ये तो मस्ट पिक होंगे आपके लिए, कैप्टनसी के लिए भी बहुत ही बड़े ऑप्शन होंगे। राशिद खान आपके लिए इस मैच में इंपॉर्टेंट होंगे। और बॉलिंग सेक्शन में अलजहरी जोसेफ एक विकेट टेकिंग बॉलर है, हिट द टेक बॉलर है भी, और आप यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन को भी इंपॉर्टेंट पिक में ले सकते हो क्योंकि ये भी विकेट टेकिंग बॉलर है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एसआरएच के प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन की तरफ। अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे केन विलियमसन के साथ, वन डाउन आएंगे राहुल त्रिपाठी, इनका जो मिडल ऑर्डर है वो संभालेंगे एडन मार्क्राम, निकोलस पूरन, और इनकी तरफ से पांच बॉलिंग ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? तो एसआरएच के यहाँ पे जो पांच बॉलर है उनमें यहाँ पे उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार, मार्को जॉनसन, टी नटराजन और जगदीशा सुचित, इनके पाँच बॉलिंग ऑप्शन होने वाले हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे ग्रैंड लीग की कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो देखिए आपको कस्टम टीम बिल्डर में यहाँ पे आना है, आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, एक तो आपको प्लेयर को यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन होगा और दूसरा ऑप्शन होगा आपको प्लेयर को एक्सक्लूड करने का। तो यहाँ पे आपको उन प्लेयर्स को लॉक करना है जिन्हें आप अपने हर एक टीम कॉम्बिनेशन में रखना चाहते हो, आपको लगता है वो परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे, और आपको उन प्लेयर्स को एक्सक्लूड कर देना है जो नहीं खेलेंगे या फिर जिनके परफॉर्म करने के चांसेस कम है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे 24 प्लेयर्स को एक्सक्लूड कर रखा है क्योंकि वो प्लेइंग इलेवन में ही नहीं थे पिछले मैच में। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को लॉक कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या को हमने लॉक कर लिया है, टी नटराजन हिट द डेक बॉलर, इनको भी हम लॉक कर लेते हैं। नीचे आप यहाँ पे केन विलियमसन को लॉक कर सकते हो, काफ़ी कंसिस्टेंट बैट्समैन है। नीचे एडन मार्क्राम ये अच्छा ऑलराउंडर है, शुभमन गिल भी एक अच्छे बैट्समैन है, हम उन्हें लॉक कर लेते हैं। मोहम्मद शमी फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हमने यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को लॉक कर लिया है। अब हम जनरेट टीम पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो परफेक्ट लाइनअप पे आके, और अपना लॉजिकल वे में जितना आप करोगे कस्टमाइजेशन उतनी अच्छी टीम कॉम्बिनेशन आपके सामने बन के आ जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्मॉल लीग की टीम की तरफ चलते हैं, पहले ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं।
तो ये हमारा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे आप खुद यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, स्मॉल लीग की टीम के कॉम्बिनेशन की तरफ। तो चलिए, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम होने वाली है। तो देखिए, हमने विकेट कीपिंग सेक्शन में रिद्धिमान शाह को लिया हुआ है, और बैटिंग सेक्शन में केन विलियमसन, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा हमारी टीम में रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या को लिया है, एडन मार्करम को लिया है, और दोनों की दोनों जो टीमें हैं इनकी बॉलिंग बहुत ही मजबूत है, तो हमने मेन बॉलर्स को यहाँ पे कवर कर रखा है, जैसे मोहम्मद शमी हो गए, राशिद खान, टी नटराजन, अल्दर जोसेफ और मार्को जेनसन। तो आप यहाँ पे बैट्समैन को भी प्रीफर कर सकते हो, लेकिन बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं दोनों टीमों की। तो चलिए, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये है ऐड ड्रीम इलेवन टीम टू सिमुलेटर। यहाँ पे आपको कोई पैसे ऐड नहीं करने, यहाँ पे सिर्फ आपको रिजल्ट पता चलता है ड्रीम इलेवन पे आपकी रैंक क्या आ सकती है इस टीम के साथ। तो चलिए, हमने यहाँ पे भी ड्रीम इलेवन सिमुलेटर से अपनी टीम को ज्वाइन कर रखा है। ये हमारी फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम मिलेगी आपको परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे फैंटेसी में कुछ एनालाइज करना चाहते हो या फिर कुछ अपने ओपोनेंट से आगे रहना चाहते हो नॉलेज के कंटेक्स्ट में, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।